हमारे साथ है मिस्टर संजय टंडन, इसरा के कर्ता धरता, द बी ऑल एंड एंड ऑल। सर, नॉर्मली हम मीडिया इवेंट्स में आते हैं, सवाल रहते हैं, बट जैसे हमारे पीछे जो आज इस बड़े प्लकार्ड पे लिखा है, सिंगर्स एंड म्यूजिशियन साइन हिस्टोरिक अग्रीमेंट विद म्यूजिक लेबल्स, तो आज कोई सवाल नहीं है, बस मैं ये बस इट्स ऑल यर्स मैं यही कहूँगा सर। बड़ी खुशी की बात है कि सवाल नहीं है। हाँ, आज बहुत ही एक ऐतिहासिक दिन है, और मेरे लिए नहीं बल्कि तमाम सिंगर्स के लिए, तमाम आर्टिस्ट्स के लिए, और भारत के लिए, भारत के संगीत के लिए बहुत एक ऐतिहासिक दिन है। क्योंकि जैसे हम पहले सुनते आ रहे थे कि आर्टिस्ट को कभी भी उसका हक नहीं मिलता, गाना गा लेता है, उसके बाद जब तक वो ऊपर रहता है, अपनी ऊंचाई पर रहता है, तब तक सब उसके आजू बाजू गुणगान करते हैं, मगर एक बार जब वो गाना नहीं चलता उसका, तो वो गुम हो जाता है। और इसी टाइम पर जो है उनको रॉयल्टी मिले, वो उनके लिए बहुत सही है। ऐसा हमने सुन रखा था, मैंने बचपन में सुन रखा था कि ऐसा फॉरेन में होता है, तो मैंने ये सोचा था फॉरेन में हो सकता है, फॉरेन के आर्टिस्ट के लिए, फॉरेन के सिंगर्स के लिए, हमारे भारत के लिए क्यों नहीं हो सकता। तो ये जद्दोजहद में हम जुट गए। आज मुझे याद आ रही है लता जी, क्योंकि लता जी का ये सपना था, और ये तो प्रेस में था, सबको ही पता है कि लता जी ने 1960 में कहा था कि सिंगर्स को भी रॉयल्टी मिलनी चाहिए। तो आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि वो दिन आ गया है जब ये ऐतिहासिक दिन में अब सिंगरों को रॉयल्टी मिला करेगी। और इसमें सरकार ने और हमारे प्यारे मंत्री, हमारे बिलवड मंत्री जी पीयूष गोयल जी ने हमारा बहुत बड़ा साथ दिया, उसके लिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आज वो हमें इस दिन हमको आशीर्वाद देने आ रहे हैं, वही हमारे लिए। सर, ऑब्वियसली जो शब्द जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जंग और जद्दोजहद, तो ज़रा बता सकते हैं कि ये कितने सालों की जंग रही है? देखिए, कॉपीराइट एक्ट जो है 1957 में बना था, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ, तो तब से ये था कि गायकों को, सिंगर्स को एक वोकल इंस्ट्रूमेंट का दर्जा दिया गया, जैसे तबले पर तबला वादक करता है, जैसे गिटार पर गिटार वादक बजाता है और साउंड निकालता है, वैसे सिंगर अपने आवाज़ निकालते हैं। तो ये गलत चीज़ थी, ये गलत धारणा के अगेंस्ट लता जी और हमने साथ में मिलकर ये लड़ाई लड़ी, और ये लड़ाई हमने शुरू करी थी 1990 में। 1990 से ये लड़ाई हमने 2012 में, 22 साल लग गए, और हमने कानून बदलवाया, कानून बदला, सारे दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ने यूनैनिमस रेजोल्यूशन पास किया, और यूनैनिमसली पास किया कि अब गायकों को भी उनकी रॉयल्टी मिला करें। और 2012 से अब हम ये काम कर रहे हैं, और ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि जो म्यूज़िक कंपनीज हैं, वो जो म्यूज़िक लेती हैं, उसको मार्केट करती हैं, उसको आगे तक ले जाती हैं, वो और सिंगर्स अब एकजुट होकर ये रॉयल्टी सिस्टम भारत में कायम कर रहे हैं। सर, ऑब्वियसली यहाँ मैं ये तो नहीं कहूँगी कि विलन इन द पीस, बट मे बी द एलिफेंट इन दिस रूम It's always been the music label or... No, I think वो एक गलत धारणा है, होगी पहले ज़माने में होगी, मुझे पता नहीं, और मैं पीछे नहीं देखता, मैं हमेशा आगे देखता हूँ। तो आगे जब मैं देख रहा हूँ, तो अब हम एकजुट होकर एकता के हिसाब से हमको काम करना है। सारी म्यूज़िक कंपनियाँ इंडिया की यहाँ मौजूद हैं, आप सब लोग ने कवर किया, और हम सारे सिंगर्स यहाँ मौजूद हैं, इससे बड़ा ओकेजन नहीं हो सकता दिखाने के लिए कि अब हम भी। सर, लेकिन जो म्यूज़िक जॉइंट्स है, यू नो, जैसे टी सीरीज हो या सारेगामा हो और वगैरह वगैरह, तो उनको टेबल पे लाके तो बात करने के लिए, बिकॉज इतने सालों से जंग चालू है। टी सीरीज और आपने टी सीरीज और सारेगामा का नाम लिया, वो भी यहाँ मौजूद हैं, और हम सब ने ये हिस्टोरिक अग्रीमेंट पे साइन किया है। और उनके क्या रिजर्वेशन है, या उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया? कोई रिजर्वेशन नहीं, अब हम एकजुट के काम कर रहे हैं। ओके, अब हम एकजुट मिल के हम रॉयल्टी जो है वो सिंगर्स की रॉयल्टी इकट्ठा करेंगे और सिंगर में बांटेंगे। तो जितनी अब तो ये है कि जन जनार्दन जो इस म्यूज़िक को वाह वाह करता है, शाबाश, बहुत अच्छा लगा, अब आप आर्टिस्ट को अगर सचमुच में प्यार करते हैं तो उसकी रॉयल्टी के लिए ये आप सबसे। सर, कुछ इसके मैकेनिज्म के इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये कैसे होगा, कुछ इस पर कुछ बहस या इस कुछ? पर अगर अगली बार बात करें किसी और ओकेजन में बेहतर रहेगा, आज का माहौल जरा सेलिब्रेटरी है। बस सर, एक आखिरी सवाल, ऑब्वियसली जो एस्टैब्लिश ग्रेट सिंगर्स है, यू नो, उन्होंने तो अपने करियर में सक्सेसफुल रहा है, बट जो ऑब्वियसली सिंगर जो मेरे ख्याल से कुछ थोड़े बहुत गाने गाए, एक आध चले और फिर बाद में गायब हो गए, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ ज़्यादातर उनको बेनिफिट करेगी। देखिए, सारे सिंगर्स को बेनिफिट करेगी, चाहे पुराने हों या नए हों।
सूफी हो या डिवोशनल हो या म्यूजिक फिल्म म्यूजिक हो नॉन फिल्म म्यूजिक, सबको एक ही तरीके से जिसका गाना बजेगा ज़्यादा उसको उतनी रॉयल्टी मिलेगी। तो हर एक छोटे वाले को भी मिलेगी बड़े वाले को भी मिलेगी ऐसा। और मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि इसके लिए जो क्राइटेरिया है उनके पास एक अपना कार्ड होना चाहिए मेंबरशिप उनका, उनको मेंबर सब सारे सिंगर्स को इस तरह का मेंबर बनना पड़ेगा। हैं ऑलरेडी अभी तो हैं हमारे पास 1000 मेंबर हैं, सारे जो बड़े बड़े नाम हैं वो सारे मेंबर हैं। अब जो हैं दूसरे वो जल्द बन जाएंगे आज के अनाउंसमेंट के बाद। बिकॉज जैसे जो सिंगर जिन्होंने हमने जिक्र किया थोड़ा बहुत गाया और फिर बाद में कहीं गायब हो गए, उनको भी मिलेगी। ओके, हम उन तक इसको पहुँचाएंगे, ये हमारा काम। चलिए सर, हम अपने माध्यम से उन आपकी आवाज़ उन तक पहुँचाएंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द कॉन्ग्रेचुलेशंस।